तो बक्सर रेल हादसे जुड़ी हुई हर अपडेट, हर जानकारी हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। हादसे के समय और उसके बाद शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आप तक लेकर पहुंचा रहे हैं कि कैसे अब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया है ताकि ट्रैक पर यातायात जल्द से जल्द बहाल किया जा सके, क्योंकि इसे लेकर खुद रेल मंत्री जो है उन्होंने ट्वीट भी किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और कहा कि सबसे पहले प्राथमिकता ये कि लोगों को समुचित इलाज मिल सके। दुखद घटना, जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना, साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का काम और रिस्टोर कैसे किया जाए यातायात को एक बार फिर से इस रूट पर, क्योंकि 7 ट्रेनें जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं और 10 से ज्यादा ट्रेनें जो हैं वो डायवर्ट की गई हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी आपको दे, ट्रैक से बोगियां जो है वो हटाई जा रही हैं। एक बोगी को फिलहाल हटाया गया है, तो ट्रैक से बोगियों के हटाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। एक बोगी का ट्रैक से अलग किया गया है। इंस्पेक्शन की जो टीम है वो भी अब मौके पर पहुंच रही है। इंस्पेक्शन कार जाने को तैयार है और इंस्पेक्शन टीम जो है वहां पर पहुंचेगी और वहां पर जांच भी की जाएगी। दानापुर स्टेशन से जाने को इंस्पेक्शन टीम जो है वो तैयार है। पूरी टेक्निकल टीम जो है घटनास्थल के लिए रवाना होगी और पूरी जो जानकारी है वो इकट्ठी की जाएगी। तो घटनास्थल पर जाकर के बारीकी से जांच की जाएगी। दानापुर इंस्पेक्शन के लिए जो कार है वो जाने के लिए तैयार है। एडीआरएम के साथ पूरी जो टेक्निकल टीम है वो घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। वही बता दें कि और चलिए और बड़ी खबर जो है वो आपको हम अपडेट करेंगे। विभाग क्या खबर आ रही है? बिल्कुल, और कई ट्रेनों के रूट को डायवर्ट कर दिया गया है राहुल, क्योंकि इस हादसे के बाद से उस रूट से जाने वाली कई ट्रेनों के ऊपर उसका सीधा असर। डाउन लाइन की 12 ट्रेनें हैं जिसके रूट को बदल दिया गया है, अप लाइन की 7 ट्रेनों का रूट बदला गया है और ऐसे में उन लोगों तक जानकारी भी पहुंचाई जा रही है जो इस ट्रेन से यात्रा करने वाले थे। गया होते हुए दिल्ली जाएगी राजधानी एक्सप्रेस, पटना पूरी स्पेशल ट्रेन जिसके बारे में जानकारी आ रही है कि उसे रद्द कर दिया गया है, यानी कि वो नहीं जाएगी। आरा भभुआ पैसेंजर ट्रेन पर भी इसका असर है, उसे भी रद्द कर दिया गया है। रेल हादसे के बाद ये इस वक्त जो कदम उठाए गए हैं, कई ट्रेनों के रूट को डायवर्ट कर दिया गया है, यानी कि इस रूट से ये ट्रेनें जाया करती थी लेकिन जब तक इस रूट पर यातायात बहाल नहीं होती है तब तक इन ट्रेनों को दूसरे रूट से डायवर्ट किया गया है, अब उन रूटों से ये होते हुए जाएंगे। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जेपी नड्डा ने फोन किया है, बातचीत की है उन्होंने और लगातार हालात पर जो नजर है वो बनाए हुए हैं। जेपी नड्डा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को फोन किया है, उनसे जानकारी लिए कि घटनास्थल पर कैसे जो हालात हैं। सम्राट चौधरी को फोन करके पूरी जो जानकारी है वो ली है, साथ ही हर संभव मदद पहुंचाने का जो निर्देश है वो भी दिया गया। यानी कि बीजेपी की भी जो नजर है वो लगातार बनी हुई है और बीजेपी के जो एक एक कार्यकर्ता है वो राहत बचाव कार्य में शामिल रहे, इसको लेकर के जो निर्देश है वो जेपी नड्डा की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही राहत यान जो है वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है जो यात्रियों तक मदद पहुंचाएगी। हालांकि सबसे बड़ी बात और राहत वाली बात यह है कि जो लोग घायल हुए हैं उनकी जो हालत है वो अब खतरे से बाहर बताई जा रही है, इनकी मामूली चोटें आई हैं उनको। और ऐसे में 21 बोगियां जो है वो डिरेल हुई जिसकी तस्वीर ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे सहयोगी अमित आप तक पहुंचा रहे हैं। और कौन कौन सी बोगियां हैं जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं? देखिए SLR ये वो कंपार्टमेंट दिख रहा है जिसमें एक दूसरे के साथ देखिए कैसे ये जो टकराई हुई नजर आ रही है, हालांकि अब उन्हें काटा जाना शुरू कर दिया गया अलग करने के लिए। जनरल बोगी भी कैसे ट्रैक को छोड़ते हुए जो पाथवे है वहां तक आ जाती है जहां से आम दिनों में राहगीर जो आना जाना करते होंगे, SLR ये जनरल बोगी। हालांकि राहत की बात ये रही कि इन बोगियों के नहीं पलटने की वजह से जो कैजुअल्टी है वो नहीं हुई, लेकिन AC1 ये वो बोगियां हैं जो कि पलट गई, ट्रैक को छोड़कर बाजू में जाकर वो पलट जाती हैं। बिल्कुल, तो ये AC बोगी और जिस तरीके से जो DRM है वो जानकारी भी दे रहे थे कि जो B5 जो बोगी है वो ज्यादा क्षतिग्रस्त है, यानी कि जो AC कोचेस से वो ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं और शायद कैजुअल्टी जो है वो उसी में हुई है। तो ये B4 B5 जो सीरीज है उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो गाड़ियां जो है वो बोगिया यहाँ पर पलटी हुई नजर। बिल्कुल, और राहुल इन्हीं AC बोगियों में लोगों को B3 ये वो बोगी है, देखिए B3 के जरिए हम आपको दिखा पा रहे हैं, और उन बोगियों के सीसों को तोड़कर स्थानीय लोगों की तरफ से लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया, क्योंकि लोग वहां से मदद की गुहार जो है लगा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि उन्हें निकाला जाए और पैनिक वाली स्थिति उस वक्त खड़ी हो गई थी। रात का वक्त था, रेस्क्यू करने में भी परेशानी हो रही थी, लेकिन लोगों ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में लोगों को इन बोगियों से बाहर निकाला। B2 B1 ये वो कोच हैं जो कि AC के कोच ज्यादा बताए जा रहे हैं, जो दो कोचेस AC बोगी हैं।
बिल्कुल, तो इसी कोच में जो ज्यादा कह सकते हैं कि जो क्षति है वो पहुंची है। जनरल बोगी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये बोगिया जो है वो थोड़ी सी सीधी नजर आ रही है, लेकिन खासकर जो फ्रंट कोचेस हैं उन पर जो असर है वो ज्यादा इस का हुआ है। तो बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा और इस हादसे की लगातार जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जनरल बोगी उसकी क्या हालत इस पटरी पर नजर आ रही है, जो पटरी से ट्रैक से उतरी हुई नजर आ रही है। एसएलआर बोगी जो है वो भी ट्रैक से उतरी हुई और जो अलग रास्ता है वहां पर नजर खड़ी हुई आ रही है। साथ ही एसी वन की तस्वीर दिखा रहे हैं जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त देखने को मिल रही है, जो देखिए किस तरीके से पटरी से काफी दूर तक वो आ चुकी है। तो ये एसी वन की तस्वीर है और ये B5 की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इससे सटे जो बोगिया है वो खास करके ज्यादा क्षतिग्रस्त हो रहे हुए हैं, जिसमें B5 है, B4 भी है और B3 भी है, जो एक लाइन से जो ये बोगिया है वो बेपटरी नजर आ रही है। तो बिल्कुल तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि कौन कौन से कोचेज हैं जिसमें यात्रा कर रहे लोगों को ज्यादा परेशानी हुई, उन्होंने अपनी जान गंवाई है और एसी की दो कोचेज उसमें शामिल बताई जा रही है। जनरल की एक बोगी भी है, लेकिन हालांकि वो पलटी नहीं, सीधी खड़ी रही। लेकिन अब जो चार लोगों की मौत हुई है उसकी भी जानकारी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दे दें। इनकी अबू जायद सप्तिया विशनपुर किशनगंज के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, दुखद खबर, जिसमें चार यात्रियों में अबू जायद भी हैं जिनकी मौत हुई। बिल्कुल, और देखिए उषा भंडारी मेहरौली दिल्ली के रहने वाली है, इनकी जो मौत है वो हो चुकी है और इसके साथ साथ उनकी ही परिवार की बेटी बताई जा रही है उषा भंडारी की, आकृति भंडारी, जिनकी उम्र काफी कम है, मेहरौली दिल्ली के रहने वाली है। तो दो सदस्य जो एक ही परिवार के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले हैं, उनकी मौत हुई है और एक मौत जो है अबू जायद के रूप में हुई, जो किशनगंज के रहने वाले हैं, और एक की जो शिनाख्त है वो अब तक नहीं हो पाई है, ये अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है। बिल्कुल, तो चार मौतें हुई हैं, इन चार मौतों में तीन लोगों की पहचान की जा चुकी है। अबू जायद जिनके नाम सामने आया है, किशनगंज के रहने वाले हैं, 27 साल उम्र बताई जा रही है, दो एक ही परिवार के लोग हैं, माँ और बेटी, मेहरौली दिल्ली से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की थी और ऐसे में ये दुखद हादसा उनके साथ होता है, दोनों की जान चली गई है। आकृति भंडारी जिनकी उम्र 8 साल बताई जा रही है और इस बच्ची की भी मौत हो गई है। एक शख्स जिसकी मौत हुई है, वो शख्स कहां से सफर कर रहा था, उसकी क्या पहचान है, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जिन लोगों तक पहचान सामने है उनके परिवार से संपर्क साध लिया गया और ये कहा जा रहा है कि जो सहायता राशि ऐसी घटनाओं के बाद सरकार की तरफ से घोषित की जाती है वो राशि इन तक पहुंचाई गई है। लेकिन बार बार ये सवाल ऐसी घटनाओं के बाद और ऐसी तस्वीरों को देखकर बहुत दुखद स्थिति नजर आती है। 5 ट्रेनें देखिए रद्द कर दी गई और वो कौन कौन सी ट्रेन है ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको जरा बताते चलें, क्योंकि वो लोग भी परेशान है जो यात्रा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, क्या वो जानकारी है जो आपके लिए बहुत जरूरी है और न्यूज 18 बिहार झारखंड ये जानकारी आप तक लेकर पहुंचा रहा है। 03230 ये गाड़ी संख्या है, पटना पुरी स्पेशल ट्रेन जिसे रद्द कर दिया गया है, यानी कि इस ट्रेन से अगर आप यात्रा करने वाले थे तो ये ट्रेन आज नहीं खुलेगी, आप इससे यात्रा नहीं कर पाएंगे। आरा भभुआ पैसेंजर ट्रेन इसे रद्द कर दिया गया है और इसीलिए हम कह रहे हैं यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस खबर को आपके लिए हम लेकर पहुंचे। और देखिए ये वो ट्रेनें हैं, 5 ट्रेनें बताई जा रही हैं जो कि रद्द हो चुकी हैं, कई ट्रेनों के जो रूट हैं वो बदल दिए गए। 03230 पटना पुरी स्पेशल ट्रेन ये जो है वो रद्द हो चुकी है। राहुल बिल्कुल, तो कई ऐसी ट्रेनें जो रद्द कर दी गई है, तो कई ऐसी ट्रेनें जिनको जिनका जो रूट है वो डायवर्ट किया गया है। पटना बक्सर और पटना डीडीयू पैसेंजर ट्रेन की अगर बात की जाए तो ये रद्द कर दी गई है। डाउन लाइन की 12 ट्रेन का रूट बदल दिया गया है, अप लाइन की 7 ट्रेन का रूट बदला गया है। राजधानी संपूर्ण क्रांति मगध गया होते हुए ये ट्रेन जाएगी, पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक गया होते हुए मुंबई को पहुंचेगी। तो डाउन लाइन की 12 जो ट्रेन है उसका रूट बदल दिया गया, अप लाइन की 7 ट्रेन का जो रूट है वो बदला गया है। वहीं जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि डाउन लाइन की 12 ट्रेन का रूट बदला गया, पटना कोटा एक्सप्रेस गया होते हुए कोटा पहुंचेगी, साथ ही दानापुर सिकंदराबाद गया होते हुए ये ट्रेन जाएगी, साथ ही दानापुर बेंगलुरु गया होते हुए इन ट्रेनों का जो परिचालन है वो किया जाएगा। तो जो ट्रेनों का पर असर है वो देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल, और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें रेल मंत्री ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है, तस्वीर भी और इस वक्त ये बड़ी खबर पर भी हमारी नजर। रेल मंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जाहिर किया है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया और उस पोस्ट के जरिए उन्होंने हादसे की वजहों की जांच की जा रही है ये कहा है। उन्होंने कहा है कि हम इसकी पूरी जांच करवा रहे हैं, परिचालन बहाल करने का प्रयास भी युद्ध स्तर पर इस वक्त किया जा रहा है।
लेकिन दुखद घटना जिसमें चार यात्रियों ने अपनी जान गवाई है। रेल मंत्री की तरफ से हादसे पर दुख जाहिर किया गया और उन्होंने सीधे तौर पर यह निर्देशित किया कि सबसे पहली प्राथमिकता ये कि लोगों को अस्पताल में कैसी उनकी स्थिति है, उन तक सही ट्रीटमेंट पहुंचे, वो लोग सुरक्षित हों, उनके जान माल का नुकसान ना हो, ये पहली प्राथमिकता हमारी थी। और अब हमारी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द रूट एक बार फिर से बहाल किया जाए, लेकिन जब तक जो बोगियां डिरेल हुई हैं उन्हें ट्रैक से हटाया नहीं जाता है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक कई ट्रेनों पर इसका सीधा असर है, जिनमें 7 ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई हैं, 10 ट्रेनें हैं जिनके रूट को बदला गया है और परिचालन बहाल जल्द से जल्द हो इसे लेकर रेल मंत्री की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया गया और दुख जाहिर किया गया, घटना की जांच की बात कही गई। तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी हुई है जिसमें 4 यात्रियों की मौत हो चुकी है, 3 की पहचान, 1 शख्स को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है। शिनाख्त की कोशिश लगातार होती हुई, वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक तौर पर ये कहा जा रहा है कि आम लोगों की भागीदारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो बोगियां हैं जो कि ट्रैक से डिरेल हो जाती हैं लेकिन पलटती नहीं, इस वजह से जान का नुकसान कम हुआ है। इंजर्ड लोगों की संख्या भले 80 के आसपास बताई जा रही हो लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को जो पहले फर्स्ट एड थी वो देने के बाद अब उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया है, लेकिन हादसा क्यों हुआ इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी हो, जो यात्रा करने वाले यात्री थे, उनकी तरफ से भले कहा जा रहा है कि हम 2 किलोमीटर पहले से महसूस कर रहे थे कि घर्षण हो रही है, कंपन हो रही है, लेकिन हादसा हो जाएगा ये अंदाजा किसी को नहीं था। रात का वक्त 9:35 पर ये हादसा होता है जिस वक्त अमूमन राहुल लोग खा पीकर अपने बेड पर सोने की तैयारी करते रहते हैं, उस वक्त ये हादसा हुआ। बिल्कुल, तो उस वक्त हादसा हुआ जब सोने के लोग तैयारी कर रहे होंगे, किसी को ये पता नहीं होगा किस तरीके से खौफनाक जो मंजर है वो आंखों के सामने आएगा, लेकिन तस्वीर बयां करें किस तरीके से खौफनाक मंजर दिख रहा है। एसएलआर बोगी, जनरल बोगी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साथ ही AC-1 कोचेस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। बोगियों को हटाने का काम किया जा रहा है, साथ ही जो बी सीरीज की बोगियां हैं, चाहे वो B5 हो, B4 हो, B3 हो, ये बोगियां भी पटरी से हटी हुई नजर आ रही है। तो ये वो बोगियां हैं जिनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें लोग सवार थे, लोगों ने वीडियो भी बनाया और लोगों ने उस खौफनाक मंजर को बयां भी किया। बिल्कुल, तो बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त स्पीड जो है वो ट्रेन की तकरीबन 100 से 110 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन क्या सचमुच उस वक्त यही रफ्तार थी, क्या ड्राइवर को अंदेशा हो रहा था कि कुछ गड़बड़ी है और उसने इसे कंट्रोल करने का भी प्रयास किया, ये सब कुछ हालांकि अभी इंतजार करना होगा स्टेटमेंट के सामने आने का। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो कल पुर्जे हैं बोगियों के, जो ट्रैक की स्थिति है उसे देखकर ही अंदाजा होता है कि हादसा कितना जबरदस्त रहा लेकिन जानमाल का नुकसान कम हुआ, ये जरूर गनीमत की बात रही है जिसे सभी कह रहे हैं। और स्थानीय स्तर पर लोगों ने जो इनिशिएशन लिया, जो उनका प्रयास रहा, उस वजह से ये कैजुअलिटी कम रही है। बिल्कुल, तो वो जो इनिशिएट किया लोगों ने कि लोगों ने स्थानीय जो लोग थे वो उन्होंने अस्पताल में पहुंचाया, हालांकि प्रशासन की अगर बात करें तो वो भी काफी जल्दी टीम पहुंचा और एम्बुलेंस की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एम्बुलेंस काफी जल्दी वहां पर पहुंची और काफी संख्या में एम्बुलेंस यहां पर पहुंची, जिन जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया। जो रजनीश में हमारे संवाददाता थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे कि रघुनाथपुर में जो भर्ती कराए गए वहां पर घायलों की संख्या ज्यादा, यानी कि करीब 30 से 35 जो घायल है वहां पर भर्ती कराए गए जिनको फर्स्ट एड दिया गया है और वो अब अस्पताल से बाहर जा रहे हैं, यानी कि जो स्थिति है वो ठीक है, यानी कि अधिकांश जो लोग हैं उनको मामूली सी चोटें आई है जिनको फर्स्ट एड के बाद से अब उनको उनके घर जो है रवाना किया जा रहा है, व्यवस्था भी की जा रही है कि उनको घर तक सुरक्षित जो है वो पहुंचाया जा सके, यानी कि जो घायल है उनकी बहुत हालत गंभीर नजर नहीं आ रही, एक राहत की बात है, एक अच्छी बात है। लेकिन दो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, हादसा कितना जबरदस्त हुआ है, हादसा किस तरीके से ये जो दो बोगियां है वो काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त नजर आ रही है, जो पटरी से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। तस्वीर राहुल हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कैसे ये जो बोगियां हैं वो ट्रैक से डिरेल होती हैं और जरा अब वो हादसा कैसे हुआ वो भी जानना और समझना जरूरी है। देखिए एनिमेशन के जरिए आप देखिए कैसे ट्रैक से दौड़ती हुई सरपट ये जो ट्रेन है वो ट्रैक को छोड़कर जो बाजू की जो जगह है जहां पर गिट्टियां हैं वहां पर जाकर के पलट जाती हैं। राहत की बात ये रही कि एक के ऊपर एक बोगियां नहीं चढ़ी,
दूसरी बड़ी राहत की बात ये कि दूसरे ट्रैक से कोई ट्रेन उस वक्त नहीं गुजर रही थी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब हमने देखा है बालासोर में जिस तरीके की घटना हुई, वहां पर कैजुअल्टी ज्यादा होने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि एक ट्रैक पर हादसा होता है, वो डिरेल होकर दूसरे ट्रैक पर जाकर बोगियां गिरती हैं और वहां उसी ट्रैक पर उस वक्त दूसरी ट्रेन का गुजरना वो ज्यादा कैजुअल्टी क्रिएट कर देता है। लेकिन यहां पर राहत की बात ये रही कि ये जब हादसा हुआ उस वक्त दूसरे ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी और इस वजह से ये बोगियां जो हैं वो पलटकर पास में ही लुढ़क जाती हैं। लेकिन तीन बोगियां जो हैं वो ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई जिनमें कैजुअल्टी भी हुई है और अब इसे एक बार फिर से रूट को रिस्टोर करने का प्रयास जो है शुरू कर दिया गया। तस्वीर भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए रघुनाथपुर स्टेशन और यहां जैसे ही ये ट्रेन गुजरती है देखिए अचानक से ये डिरेल हो जाती है। बक्सर से आरा की ओर ये ट्रेन देखिए रफ्तार भरती हुई चल रही थी, रघुनाथपुर में अचानक से ये डिरेल होकर 21 बोगियां जो है वो ट्रैक से पलट जाती हैं और आसपास के देखिए मकानों के ठीक पास में जाकर रुक जाती हैं। ये बड़ा हादसा उस वक्त हुआ जब रात के 9:35 हो रहे थे। लोग खा पी कर अब सोने की तैयारी कर रहे होंगे, कोई अपने बेड को लगा रहा होगा, कोई खाने के बाद जिस तरीके से स्थितियां जो है वो बनती नजर आई। लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। बक्सर से आरा की ओर ये ट्रेन चल रही थी, एनिमेशन के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लगातार। बिल्कुल, तो ये एनिमेशन के जरिए आपको तस्वीर दिखा रहे कि रघुनाथपुर जहां पर जिस स्टेशन पर यह हादसा हुआ, बक्सर का यह जगह, आरा इससे नजदीक और कैसे जो बोगिया है वो डिरेल हुई उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आनंद विहार स्टेशन से ये ट्रेन चली थी जो कामाख्या को पहुंचने वाली थी, लेकिन ये जगह रघुनाथपुर जहां पर ये हादसा हुआ और इस हादसे की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। तो एक बार फिर से अपडेट की, चार लोगों की मौत, इनकी पहचान हो चुकी है। रघुनाथपुर में कोई स्टॉपेज नहीं था ट्रेन का, इसलिए भी कहा जा रहा है कि ये ट्रेन जो थी वो फुल स्पीड में थी, उस वक्त 100 से 110 की स्पीड में थी, लेकिन आरा जाकर इसे रुकना था और उससे पहले यह हादसे का शिकार हो जाती है। और इस वजह से क्या वजह रही, कोई तकनीकी खामी आई या किसी तरह की कोई छेड़छाड़ हुई, इन तमाम विधों पर जांच की जा रही है। छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस इस बड़ी खबर पर, लगातार हम बने हुए हैं।